हेलो दोस्तों, तो कल हम दो टॉपिक्स अभी तक हम दो टॉपिक्स देख चुके हैं। अब हमारा तीसरा टॉपिक चलेगा। अभी हमारा फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है, ये हमारा थर्ड लेक्चर है। आगे भी मेरे को लगता है इसमें चार पांच लेक्चर बन ही जाएंगे आराम से। तो देखते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है शब्द निर्माण तथा अक्षर व्यवस्थीकरण। ये होता क्या है देखिए, अर्थपूर्ण शब्द के अक्षर को बदलना, मतलब कि कोई भी अर्थपूर्ण शब्द दिया हुआ हो उसके अक्षर। देखो ये एक अर्थपूर्ण शब्द है, मतलब अर्थपूर्ण शब्द होता क्या है, कोई भी वर्ड ले लीजिए, अपना नाम ले लीजिए, कुछ भी वगैरह वगैरह। तो इसमें बोला है कि कोई भी अर्थपूर्ण शब्द ले लिया उसके अक्षरों को परस्पर बदलना, मतलब ये एक शब्द है अर्थपूर्ण, इसके अक्षरों को बदलना। अब देखिए डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं हम क्या है। एक अर्थपूर्ण शब्द दिया गया होता है और इस शब्द के अक्षर परस्पर परिवर्तित कर दिए जाते हैं, मतलब कि ये एक अर्थपूर्ण शब्द दिया हुआ है, इसके जो अक्षर है, अक्षर अक्षर ये होते हैं, अक्षर मतलब कोई भी वर्ड है, जैसे कि अपने नाम का कोई भी वर्ड ले लीजिए, जैसे ये आर है, आर ये शब्द है, ये इस पूरे को तो हम बोलेंगे अर्थपूर्ण शब्द और ये हमारा अक्षर होगा इस टाइप से। अब देखिए अर्थपूर्ण शब्द के अक्षरों को परस्पर बदल देते हैं। अब परस्पर क्या है बदलने के लिए, कैसे बोलना है, ये एक अर्थपूर्ण शब्द है, इसके अक्षर जैसे ये वाला अक्षर इससे चेंज कर दिया, ये वाला इससे चेंज कर दिया, परस्पर मतलब कि जिसके लिए बोला है उसी से चेंज करना, ठीक है। और देखते हैं अक्षर परस्पर परिवर्तित कर दिए जाते हैं और उसके पश्चात बाएं या दाएं का कोई भी अक्षर पूछ लिया जाता है। देखो अब क्वेश्चन हमारा किस टाइप से आएगा, इसमें बोला है कि ये हमें कोई भी अर्थपूर्ण शब्द दिया हुआ है, इसमें बोलेगा कि ये हमारा अर्थपूर्ण शब्द है, इसमें परस्पर ये वाला वर्ड, जैसे बोल दिया कि एम को ए से बदल दीजिए, परस्पर बदल दीजिए, ई को टी से परस्पर बदल दीजिए, इस टाइप से। अब ये बोलेगा कि हमारा एक नया वर्ड बन के आया, एक नया शब्द बन के आया, तो उस जो नया वर्ड बन के आया उसमें दाएं से, जैसे मान लीजिए दाएं से पांचवा अक्षर कौन सा होगा और बाएं से दसवा अक्षर कौन सा होगा, इसी टाइप से। अब देखिए अब हम एग्जांपल लिया है, हमने एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखो यदि ये हमारा एक कोई वर्ड दिया हुआ है, देखो जो हमने एग्जाम्पल के थ्रू लिया है, और ये देखिए यदि मैं पहले वह सातवें अक्षर को परस्पर स्थान बदल ले, इसी प्रकार दूसरे व आठवें, आगे भी इसी प्रकार छठे व बारहवें, तो दाएं से तीसरा अक्षर को क्या होगा। अब देखिए ये हमारा वर्ड है, इसके नंबर ही लिख लेते हैं पहले, 1 2 3, इसमें नॉर्मल नंबर लिखने हैं क्योंकि उसने बोला है कि पहले सातवें, पहले को सातवें से, दूसरे को आठवें से, इस टाइप से। तो इसमें हमें इनके सीरियल नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे वो हमें याद करना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखिए इसमें क्या बोला है, जो बोल रहा है ऐसे लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमने इसी तरह से हम करेंगे ना तो बहुत ही ईजी होगा मानिए। देखो अब उसने बोला है पहले को सातवें से, पहला और सातवां, देखो पहले पे क्या है एम है, तो जो एम है वो हमारा 7 नंबर पे पहुंच जाएगा और जो हमारा 7 पर ए है वो हमारा 1st नंबर पर आ जाएगा। देखिए ए और 1 पर क्या है, ये हमारा 7 पर पहुंच गया। और बोल रहा है कि दूसरे व आठवें को आगे भी इसी प्रकार बदलते हैं, दूसरे पे क्या है ई है और आठवें पर एम है। तो देखिए जहाँ पर दो है, जहाँ पर ई है वहाँ पर एम आ जाएगा और जहाँ पर एम है वहाँ पर ई। तो देखिए 2nd पर एम आ गया और 8th पर ई, इसी टाइप से। देखो बोला इसी तरह आगे भी ऐसे करना है, तो 3 पर एल है और 9 पर ए, तो हमारा इधर तो आ जाएगा ए और 9 पर एल, 4 पर ओ है और 4 पर ओ है और 10 पर टी है। अब ऐसे हो देखो 4 पर ओ, तो यहाँ पर टी, इधर ओ, 5 पर डी है और 11 पर आई है, तो यहाँ पर 5 के स्थान पर हमारा आई आ जाएगा और 11 पर हमारा डी, 6
पर देखो इसमें बोला है कि नीचे दिया भी है छठे व बारहवें को इसी प्रकार करेंगे है छठे सिक्स पर आर है और ट्वेल्व पर सी है, तो अब हमारा सिक्स पर सी हो जाएगा और ट्वेल्व पर आर हो जाएगा। इस टाइप से चेंज कर दिए। देखो अब ये हमारा नया वर्ड बन के आया है। अब हमें देखना है इसमें पूछा क्या है इस वाले क्वेश्चन में। देखिए तो दाएं से तीसरा अक्षर क्या होगा, तो दाएं से तीसरा अक्षर बताना है, तो हमें दाएं से देखना है। अब दाएं से तीसरा अक्षर हमारा क्या होगा, मैंने बताया था कि बाएं से बोले तो इधर की तरफ चलना पड़ता है, बाएं से स्टार्टिंग से चलना पड़ता है। अब तो बोले दाएं से लास्ट से देखना पड़ता है, दाएं से लास्ट इस टाइप से, दाएं से हम इधर की तरफ देखेंगे और बाएं से इधर। अब देखिए तो दाएं से तीसरा अक्षर क्या होगा, तो दाएं से बैक से देखिए 1 2 3 तो तीसरा अक्षर हमारा ओ होगा, तो इसका आंसर हमारा ओ होगा, ओ हमारा आंसर होगा। बस इतना ही करना है हमें इस क्वेश्चन में, तो आगे भी देखते हैं इसी। तो देखिए अभी ये हमारा सेकंड टॉपिक है। सेकंड टॉपिक क्या है, अर्थपूर्ण शब्द के चुने हुए, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर ये समझ में नहीं आया होगा वो तो दिख रहा है कि ये थोड़ी सी हार्ड लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो देखिए ये दूसरे तरह इस टाइप से बोल सकते हैं, क्रमगत अक्षरों से अर्थपूर्ण शब्द बनाना, मतलब तो कि कोई भी क्रमगत शब्द दिए हुए हैं। तो देखिए ये इजी वे में लिखा हुआ है, क्रमगत अक्षरों से अर्थपूर्ण शब्द बनाना, मतलब तो कि ये क्रमगत शब्द है इससे अर्थपूर्ण शब्द बनाना। तो देखिए डेफिनेशन के थ्रू देखते हैं हम, एक अर्थपूर्ण शब्द दिया गया होता है, मतलब कि ये हमारा इसी को ले लीजिए एग्जाम्पल के लिए, ये हमारा एक अर्थपूर्ण शब्द दिया गया होता है और इस शब्द के चुने हुए अक्षरों से एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना होता है, मतलब कि ये हमारा कोई भी अर्थपूर्ण शब्द दिया हुआ है। इसमें बोला है देखो पहले चौथे नौवे और चौदहवे, ये जो मतलब कि इसने बोला है देखो चुने हुए अक्षरों से, ये अक्षर हमारे चुने गए हैं पहला चौथा नौवा और चौदहवा, ये अक्षर हमारे चुने हुए हैं। तो उससे बोला इससे इन ये जो चार अक्षर चुने हुए इनसे एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना अनिवार्य है। देखिए जिसमें उन चुने हुए सभी अक्षरों का होना अनिवार्य है, जैसे कि पहले चौथा और नौवा और चौथा ये अक्षर है, मतलब कि जो भी हमें वो वर्ड दिया हुआ है इनमें इनका होना अनिवार्य है, मतलब कि ये चौदह तक होंगे ही होंगे। और देखिए और अभी क्या यह संभव है कि इससे, अब देखिए क्या चीज़ संभव है, देखो यह संभव है कि इससे एक या एक से अधिक अर्थपूर्ण शब्द बने, या कोई भी अर्थपूर्ण शब्द बनना संभव नहीं है, मतलब कि ये निश्चित बात है कि ये जो हमें चार वर्ड दिए हुए हैं ना, चार अक्षर दिए हुए हैं, इनसे एक अर्थपूर्ण शब्द बनेगा या फिर नहीं भी बन सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अब देखिए एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, यदि शब्द ये एक शब्द दिया हुआ है कि पहले चौथे नौवे और चौदहवें अक्षर से कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो उस शब्द के दाएं से तीसरा अक्षर क्या होगा। अब देखिए कौन कौन से बोला है, मैंने बोला था कोई भी अर्थपूर्ण शब्द, ये जो बोला है ना कि पहला चौथा नौवा और चौदहवा ये शब्द होने इसमें संभव है, ये होंगे। तो अब देखिए पहले में क्या है, ये नंबरिंग लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। देखिए इससे बेनिफिट हमको ये है, इससे हमें जैसे उसने बोला है कि पहला हमने डायरेक्ट लिख लिया ए, उसने बोला है चौथा हम देखेंगे चौथा ये है तो डायरेक्ट लिख लिया, इससे हमें इजी वे में पहुंच जाते हैं। अब देखिए क्या बोला है, पहला चौथा आई और क्या बोला है चौथे के बाद नौवा, नौवे पे देख लेते हैं आर और क्या बोला है चौदहवा, चौदहवे पे एन। अब क्या बोल रहा है देखो यहाँ तक लिखा अक्षरों से कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो, मतलब कि ये जो हमारे ये जो नया वर्ड आया है ना, ये फोर वर्ड्स का ये जो हमारा नया शब्द बन के आया, इससे कोई भी अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो
संभव हो तो उसमें दाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होगा। अब देखिए इसको देखेंगे पीछे से थोड़ी, इससे कोई अर्थपूर्ण शब्द बन सकता है। ऐसे कोई भी किसी भी अक्षर को कहीं भी एडजस्ट कीजिए, देखो ऐसे साफ पता चल रहा है, इससे रेन बन सकता है, रेन रेन। देखिए ये एक वर्ड बन गया हमारा, और देखिए और कुछ बन सकता है, नहीं ये ही बनेगा बस। अब इस टाइप से भी आ सकता है क्वेश्चन में कि इससे कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाने संभव है, कितने शब्द बनाने संभव है, तो ऐसे इस टाइप से आता तो हमारा एक आंसर होता, क्योंकि बस रेन बनना है। और इसने पूछा है तो दाएं से तीसरा अक्षर क्या होगा, मैंने बताया था बाएं से बोले तो स्टार्टिंग से, दाएं से बोले तो लास्ट से। अब देखिए दाएं से तीसरा अक्षर क्या होगा, दाएं से तीसरा, एक दो तीन, दाएं से तीसरा, दाएं से तीसरा तो हमारा ए होगा, तो हमारा ए ही आंसर होगा। इसी टाइप से अब ये हमारे टाइप्स यहीं पे खत्म हुए। अब हम एक्सरसाइज की तरफ, तो देखिए अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखो यदि शब्द इक्विलेशन के पहले और पांचवें अक्षर परिस्पर परिवर्तित कर दिए जाए, इसी प्रकार दूसरे छठे और आगे भी इसी प्रकार क्रम जारी रखा जाए, तो दाएं सिरे से तीसरा अक्षर कौन सा होगा। देखिए अब हमें, मैंने बताया था इनके नंबर, इन पर नंबर ही लिख दीजिए, 4, 5, 6, 7, 8 है। इसमें बोला है पहले को पांचवे से, ये हम देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं पहले को पांचवे से, नंबर ही लिख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये लिखिए पहला, पहले को पांचवे से, तो फर्स्ट नंबर पर एल आ जाएगा और फाइव पर ई, एल ई। अब देखिए दूसरे, इसमें बोला है पहले को पांचवे तथा इसी प्रकार दूसरे को छठे से, दूसरे को छठे से, तो दूसरे पर आई आ जाएगा और छठे पर ई, दूसरे पर आई, सिक्स पर ई, ये ऐसे ऐसे एरोस दौड़ा दीजिए। अब इसी प्रकार आगे भी तीसरे पर यू है और सातवें पर टी है, तो अब तीसरे पर टी आ जाएगा और सातवें पर यू, तीसरे पर टी, सातवें पर यू, इसी प्रकार आगे। देखिए फोर्थ पर, चौथे पर ए है और आठवें पर वाई है, तो चौथे पर वाई आ जाएगा और आठवें पर ए आ जाएगा, चौथे पर वाई और आठवें पर ए। तो देखिए हम क्या बोल रहे हैं उससे आगे, तो दाएं सिरे से तीसरा अक्षर क्या होगा। देखो बाएं स्टार्टिंग से लेते हैं, बाएं स्टार्टिंग से, दाएं बैक साइड से, दाएं। तो देखिए इसने बोला है कि तो दाएं सिरे से तीसरा अक्षर, दाएं सिरे से हमारा तीसरा, 1, 2, 3, दाएं सिरे से हमारा तीसरा अक्षर क्यों होगा। देखिए क्यों को ऑप्शन नंबर ए में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सब ये कोई शब्द दिया हुआ है, इसमें कह रहे हैं तीसरे पांचवें व सातवें अक्षर से यदि कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो उस शब्द का दूसरा अक्षर क्या होगा। अब देखिए मैंने बोला था कि अर्थपूर्ण शब्द बन सकते हैं या नहीं भी बन सकते, एक भी बन सकते हैं या फिर एक से ज़्यादा भी बन सकते हैं। तो देखिए कौन सा शब्द बनाना सदा, कोई भी शब्द, कोई भी शब्द बनता है तो उसका तीसरा अक्षर, दूसरा अक्षर क्या होगा, या फिर एक से ज़्यादा बने, तो ये सब हमको नहीं देखना है, ये चीज़ हमको छोड़ देनी है फिर। तो देखिए कौन कौन से अक्षर के लिए बोला है, तीसरे पांचवें सातवें, इन पर नंबर लिख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तीसरे ई, पांचवें आई और सातवें है। देखिए बस ये हमें तीन वर्ड दिए हुए हैं, तीन अक्षर हैं जिनसे हमें बनाना है। अब देखिए इनसे कितने शब्द बन सकते हैं और कौन कौन से बनेंगे, तो देखिए इनसे बनेगा एक एल आई ई, एक वर्ड बन गया। और देखिए और कोई वर्ड बन रहा है फिर नहीं, एल आई ई हो गया, और सेकंड वर्ड बन जाएगा देखिए एल ई आई, एल ई आई। तो देखिए अब हमारा दो अर्थपूर्ण शब्द बन गए, तो इसका हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा कि एक से अधिक, यहाँ पे आगे लिखा एक से अधिक अर्थपूर्ण शब्द बनाने संभव है, ये हमारा होगा। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 को।
तो देखिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, ये इसका कोई टाइप नहीं था, ये ऐसे ही नॉर्मली क्वेश्चन दिया हुआ है इनसे, ये हमें वर्ड दिया हुआ है इनको, ये मतलब कि ऐसे उल्टा सीधा करके दिया हुआ है। अभी हमें सही व्यवस्थित करके इससे एक वर्ड बनेगा, वो वर्ड बताना है हमें कौन सा बनेगा। हमें ये कोड दिए हुए हैं, हम बाय ऑप्शन कोड्स का भी यूज कर सकते हैं। अब इनके नंबर लिख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखिए 4 है, 4 के ऐसे कोई वर्ड नहीं बन सकता। देख लीजिए सेकंड पर टी है, टी से क्या बनेगा, टी से भी कुछ नहीं बन सकता। अब देखिए लास्ट में 6 पर पी है, पी से देख सकते हैं पी में क्या है। ऐसे ही देख लीजिए, जो 4 था ना, के बाद ई टी, ऐसा कोई वर्ड है, कोई भी वर्ड नहीं है। अब देखिए जो है ऑप्शन नंबर बी पर 2 है, टी ई पी टी ई पी वर्ड करके कोई वर्ड है, ऐसे टी ई पी इस टाइप से कोई भी वर्ड नहीं है। अब ऑप्शन नंबर सी पर जाते हैं, पी ऑप्शन 5 पर ओ, 3 पर सी एंड पॉक। देखिए और आगे भी हो सकता है, इससे लग रहा है जैसे कोई वर्ड बन सकता है, पी ओ सी। 4 पर के बाद तो आप समझ ही गए होंगे, के ई पॉकेट, पॉकेट हमारा एक वर्ड है पॉकेट, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। अब देख सकते हैं हम इसी टाइप से या तो बैक से ऑप्शन को चेक कर सकते थे हमने, बट स्टार्टिंग से चेक किया तो हमें फोर्थ ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें थर्ड ऑप्शन में मिल गया, क्यों उस पर टाइम वेस्ट करें। तो देखिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 इसी टाइप से है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एट है ना। अब ये नंबर बनेंगे, इस पर लिख लीजिए 5 पर सी, 3 पर ओ, 2 पर पी, 7 पर क्या है एम, 6 पर एल और 4 पर ए, फिर है 8 पर आई और 1 पर एन। देखिए ये क्या बना है, कंप्लेन, कंप्लेन हमारा एक वर्ड है कंप्लेन। आगे देख सकते हैं हमें जब यहीं पर ही फर्स्ट ऑप्शन में ही हमारा वर्ड मिल गया तो क्यों चेक करें बाकी के ऑप्शन। हमारा ऑप्शन नंबर ए से होगा कंप्लेन, हमें ये एक ही वर्ड मिल गया, उसमें ये भी नहीं बोला कि एक से अधिक वर्ड बन सकते हैं, बस ये हमें कोडिंग दी है हुई है और नीचे इसका कोड दिया हुआ है, इससे करके हमें एक वर्ड बनाना था, एक ही वर्ड बनाना था तो ये हो गया। अब देखते हैं ये हमारा इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन है, तो ये हमने यहाँ पे एरो करके डाला है। तो देखिए ऐसा एक अक्षर बताइए जिसे पूरी तरह एक नया शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित शब्दों में पहले कौन सा एक अक्षर लगाया जा सकता है। देखिए ये हमारे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, अब ऑप्शन में से हमें बताना है कि कौन से वर्ड से हमारा मतलब कि सब में जो फिट बैठे, सब में कोई एक नया मीनिंग बाहर आए, सबसे कोई ना कोई वर्ड बने। देखिए अब हम इसमें भी ऑप्शन से ये एंड है तो एच लगाएंगे, हैंड, हैंड हमारा बनना है, और इसमें एच लगाएंगे और इसमें एच लगाएंगे ईयर, इसमें एच लगाएंगे हेयर और इसमें एच लगाएंगे ईट। देख सकते हैं हमारा एच ऐसा है जिसको हम सब में लगाते हैं तो कोई नई मीनिंग की नया वर्ड ही सामने आता है, तो बाकी का ऑप्शन हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, हमारा ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट होगा। अब देखते हैं इससे रिलेटेड दूसरा वाला क्वेश्चन जो है, दूसरा वाला क्वेश्चन तो देखिए उसी से रिलेटेड जो हमने बोला था कि एरो करके दिया इस पर दो क्वेश्चन है, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन नंबर 6 था। इसमें बोल रहा है कि मतलब कि इनमें से कोई भी एक वर्ड को यूज़ कीजिए, एक शब्द को यूज़ कीजिए जो कि इसमें लगाने पर एक नया शब्द आए। तो देखिए पहले हम सी को लगाते हैं, सी टी आई डबल एल, सिटिल, सी टी ए टी एल ई, ऐसा तो कोई भी वर्ड नहीं आ रहा जो सी से स्टार्ट हो, अलग ही मीनिंग हो रही है। तो अब हम ई को देखते हैं, ऑप्शन नंबर से बी टी आई डबल एल टी टेबल। देख सकते हैं इस टाइप से भी कोई भी प्रश्न नहीं आ रहा। अब देखते हैं हम सी पर क्या है, एस एस टी आई डबल एल स्टील, स्टेबल और
स्टेबल देख सकते हैं, स्टील भी हमारा एक नया मीनिंग निकल के आ रहा है, स्टेबल भी। और देखते हैं इस पर इस क्या है, स्पाइर, फिर स्टेब, फिर है स्टिंग, एस पी आर आई एम जी। देख सकते हैं एस से हमारा सभी में एस को लगाते हैं तो हमारा नया ही वर्ड सामने आता है, नई मीनिंग सामने आती है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी भी सही होगा, क्योंकि हमें एक ही वर्ड चाहिए था ऐसा जिससे नई मीनिंग सामने आए, तो इससे हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। तो अब देखते हैं आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं, कल हम नेक्स्ट टाइप को देखेंगे।